मुसलमान के ऊपर, मुसलमान पर 5 हक है, उसमें सबसे पहला हक सलाम का जवाब देना। सलाम उस वक्त से है जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को पैदा किया था, तब से सलाम। तो जिस माशरे के अंदर सलाम का निज़ाम आम है तो वहाँ मोहब्बत रहेगी रहेगी, मोहब्बत रहेगी। तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया और कहा इसको 30 नेकी मिल गई। तो कोई आदशा कहे कि यार फलां जो है अब्दुल रजाक साहब ने आपको सलाम भेजा है, तो आप कहेंगे वाले का वाले ही सलाम। आखिर कुरान में अल्लाह ने क्या कहा कि तुम चाहते कि नहीं कि अल्लाह तुमको माफ़ करे? तो आदमी कहता हाँ वाकई हम चाहते कि अल्लाह माफ़ करे, तो तुम दूसरों को माफ़ करो। चलते चलते पेड़ आ गया, पेड़ का तना आ गया, दोनों ने साथ में थे छात छोड़ दिया, आगे जाके फिर मिले, फिर सलाम करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबी अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यशरली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ हफ्तेवारी दरस कुरान के लिए जमा हुए हैं। इस मुख्तसर से वक्त में दुरूद व सलाम, इस उन्वान के ताल्लुक से चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा। दुरूद और सलाम इस उन्वान को इंतखाब करने की वजह यह भी है कि कई लोग इसको या तो इल्म की कमी की वजह से, कई लोग इसको जाति कर देते हैं और अपने हिसाब से। मोबाइल में आप देखें दुरूद की फजीलत, और वो ऐसी फजीलत जो साबित नहीं है वो भी इसमें चलती है, या फिर लोग कोई सिरे से इनकार कर देते हैं वो उसकी फजीलत, जो इसकी ऐसी फजीलत आती है जो वाकई साबित है तो उसका भी इनकार कर देते हैं। तो इसके दायरे से बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं। दुरूद और सलाम, सलाम क्या है, दुरूद क्या है, कैसे वो भेजा जाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लम क्या तरीके बताएँ, सहाबा का अमल क्या था, तो वही चीज़ें आज हमको जानने की ज़रूरत है इसके ताल्लुक से, ताकि हमको मालूम पड़े कि वाकई दुरूद क्या है और सलाम क्या, और किस तरह से भेजा जाएगा, जिस तरह से आज अपने हिसाब से लोगों ने बनाए दुरूद वो, या फिर जो उन्होंने सलाम के तरीके बना लिए वो, तो वही चीज़ें कि क्या हदीसों से साबित है। तो दलीलों के साथ हम इसको इंशाल्लाह इसमें देखने की कोशिश करेंगे। और इसकी काफ़ी अहमियत है इसकी, और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, और इसकी फजीलत और इसकी अहमियत में किसी का इख्तलाफ़ नहीं है। सारे के सारे जमात और जितने भी मसला के सब मुत्तफिक हैं सलाम और दुरूद के ऊपर, लेकिन वो उनके जो तरीके में अलग अलग और दुरूद उनके अलग अलग है, बाकी इसकी अहमियत और फजीलत का किसी का इनकार नहीं है। तो दुरूद सलाम जो है उस उम्र में से है कि इसको फैलाना है, इसको पहुँचाना है, और इससे क्या होता है कि सलाम पहुँचाने से, कहने से मोहब्बत बढ़ती है, उल्फत बढ़ती है, दिलों के अंदर से नफ़रत निकलती है सलाम की वजह से। तो सलाम करने से आपसी मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे से ताल्लुकात बेहतर बनते हैं, एक दूसरे के ताल्लुकात अच्छे बनते हैं। वो कुरान में अल्लाह ने सलाम का हुक्म दिया, तो इससे हमको इसकी सबसे पहली तो अहमियत इससे मालूम पड़ जाती है कि अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर इसके ताल्लुक से फरमाया, सलाम के ताल्लुक से कहा कि हुक्म दिया, और फिर कहा कि जो तुमको सलाम कर ले तो उसको अच्छी तरीके से तुम उसका बेहतरीन जवाब दो। तो अल्लाह ने फरमाया सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 27 में अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहल लजीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूत, कि दूसरों के घरों में तब तक दाखिल ना हों जब तक कि वहाँ के रहने वालों को तुम इजाज़त ना ले लो और सलाम ना कर लो, और ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम नसीहत हासिल करते हो। तो यानी कि किसी घर में दाखिल भी होना है तो इजाज़त लेना है, सलाम उससे करना है, सलाम करके उसमें दाखिल हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। जालिकुम खैरुल्लकुम ताअल्लकुम तज़करून, तो तुम्हारे लिए ये बेहतरीन नसीहत हासिल करने की जरिया है। तो हमारे दरमियान सलाम का जो आज रिवाज हम देखते हैं, सलाम जो किया जाता था पहले और अभी के मुकाबले में सलाम अब कम हो गया, एक दूसरे को लोग सलाम करते नहीं, एक दूसरे को या तो पहचान पहचान का हो तो कर लिया है तो नहीं करते, या फिर कोई लोग होते हैं मुसलमान ही हैं तो वो उसको करते हैं जो दीनी लोग उनको दिखते हैं तो नहीं करते, या तो दीनी उनको लगता है कि एक मस्जिद के मौलाना हैं या हाजी साहब हैं तो सलाम किया जाएगा, नहीं तो वो एक दूसरे से मिल रहे हैं तो वो ऐसे ही मिलते हैं। तो सलाम का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है, उसको आम नहीं किया जा रहा है, और आजकल लोग सलाम भी करते हैं तो सलाम भी क्या हो रहा है कि वो मतलबी सलाम होता है, यानी सलाम भी उसे करेंगे जिससे उसको मतलब है, नहीं तो कोई उससे सलाम नहीं करता, चाहे वो जमात जमात का ताल्लुक हो, चाहे जो है वो एक दूसरे से लेन देन का ताल्लुक हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो कोई सलाम भी नहीं करता, ये मामला आज हमको देख रहे हैं। तो
कि हमारा काम है कि हम इसको फिर से इस ख़त्म होती हुई सुन्नत को फिर से आज आम करने की हमको ज़रूरत है, क्योंकि आज हम मिलते तो हैं एक दूसरे से, हंसी मजाक करते हैं और बातचीत शुरू होती है, लेकिन पहले ये है कि सबसे पहले जो इस्लाम जो हमको बताता है, जो हमको उससे तालीम मिलती है, सबसे पहले सलाम किया जाए, फिर उसकी खैरियत मालूम की जाए, उसके बाद दूसरी बातचीत की आप की जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि शुरू से ही बातचीत वही शुरू हो जाती है, शुरू से ही वही हो जाता, सीधी काम की बात वो शुरू करते हैं। तो इस्लाम ने इसके लिए यहाँ तक उभारा है कि अपने घर के अंदर भी तुम बिना सलाम के दाखिल ना हो, दूसरे से तो करना ही है, जान पहचान अनजान सबसे तो करना ही, लेकिन अपने घर में भी दाखिल होना है तो बगैर सलाम किए दाखिल ना हो, चाहे उस घर के अंदर कोई हो चाहे ना हो, तो भी आपको उसमें सलाम करना है। और इसके ताल्लुक से जो है अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और ये अल्लाह खुद सलाम है, सलामती देने वाला है, और वो बेहतरीन अल्लाह ने हमको एक तोहफा दिया है, वो सलाम है। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 61, फ़ैज़ा दखल तुम बुयुतन फसल्लिमु अला अनफुसिकुम, के जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो अपने आप से ही सलाम करो, अल्लाह की तरफ से बेहतरीन तोहफा है। तो ये तोहफा है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने दिया है, तो अपने ही घर में दाखिल हो कोई नहीं है तो भी आप सलाम करो, तो खुद से ही सलाम करो, तो फिर अल्लाह उसके बदले तुमका जवाब देता है, तुम पर सलामती भेजता है। तो इतने तक इसको उभारा गया कि अपने घर के अंदर भी सलाम करो। वो सलाम का जो जवाब देना ये हक में से है, मुसलमान के हक में से, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जो हक हमको बताएं, पांच एक रिवायत में आते, एक में छः हक आते, तो वो हक बताएं, तो उस हक के अंदर से एक सलाम भी है। तो हक उसे कहा जाएगा कि जिसको देना पड़ेगा, अगर कोई अगर किसी का जवाब नहीं देता सलाम का, तो ये क्या हो गया, हक मारना हुआ, और हक मारना तो रोज़े क़यामत पूछ का सबब है। और लोगों जो हक मारता है तो हक अल्लाह नहीं दिलाएगा, अल्लाह अपनी जो इबादत की कुछ चीज़ें खामियां गलतियां हैं वो माफ़ कर सकता है, लेकिन दूसरों के हक कोई मार जाए तो अल्लाह फिर वो उसको वहीं चुकाना पड़ेगा। तो ये हक मारने जैसा अगर किसी का कोई सलाम नहीं देगा, या फिर अल्लाह ने कहा कि या तो कोई सलाम करे तो वैसे का वैसे ही लौटा दो, या उससे बेहतरीन तरीके से उसको लौटाओ, तो अच्छे तरीके से जवाब दो। इसके ताल्लुक से फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 कि जब तुम्हें सलाम का तोहफा दिया जाए तो तुम उससे अच्छी तरीके से लौटाओ, और या फिर उतना ही उसको वापस कर दो। तो या तो तुम वैसा ही लौटा दो जैसा उसने किया सलाम किया, तो आप भी वालेकुम अस्सलाम, उन्हें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो आप उससे बेहतरीन लौटाना तो पूरा सलाम आप करें, तो या फिर वैसा का वैसी उसको लौटा दो। और अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 1240, के मुसलमान पर पाँच हक है, मुसलमान के ऊपर मुसलमान पर पाँच हक है, उसमें सबसे पहला हक सलाम का जवाब देना, ये इसका हक है, वो सबसे पहले इसको जवाब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम को यहाँ तक उभारा है कि तुम सलाम करो जिसको पहचानते हो उसको, और जिसको ना पहचानते हो उसको, तो उसको भी सलाम करना है, इसमें पहचान की ज़रूरत नहीं है, आपको जाहिरी तौर पर लग रहा है मुसलमान है, आपको उसको सलाम करना, और ये बेहतरीन ये इस्लाम है। उसके ताल्लुक से जो है सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 6236, कि अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वसलम बेहतरीन इस्लाम क्या है, बेहतरीन इस्लाम क्या है, तो अल्लाह के रसूल वसलम ने फरमाया, खाना खिलाना और उससे सलाम करना जिसे तुम पहचानते हो और जिसे तुम नहीं पहचानते हो। यानी बेहतरीन इस्लाम जब पूछा गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई ये नहीं बताया कि नमाजी हो जाए, रोज़ा रखे या हज करे, पहले क्या बताया कि बेहतरीन इस्लाम ये सबसे पहले तो खाना खिलाना। और आज मुसलमान इससे दूर है, सबसे ज़्यादा दूर मुसलमान है, जबकि उनका फरीजा है, उनको खिलाना है, इतना कुरान ने उभारा है खिलाने के लिए, जकात के लिए, यतीमों के लिए, गुरबती के लिए, कि उनको खाना खिलाओ, पहनाओ कपड़े, लेकिन आज मुसलमान सबसे ज़्यादा इससे दूर। तो सबसे बेहतरीन इस्लाम यही है कि खाना खिलाना और उसके बाद सलाम करना जो पहचानते हो चाहे नहीं पहचानते हो। तो ये है कि आज हम सलाम तो करते हैं लोग, लेकिन सलाम क्या करते हैं, या तो मतलब ही करते हैं, और जिससे ज़्यादा मतलब होता है, यानी किससे उधार लेना हो, ये बड़े साहब हैं, मोहल्ले का बड़ा है, रसूखदार है, तो उससे फिर ऊँचा सलाम करते हैं, दूसरे से तो भाई वो मिला के अस्सलाम वालेकुम तो इशारा करके निकल जाते हैं लोग, लेकिन वो हजरत जा रहे हैं कि जो रसूखदार हैं तो उनसे तो हजरत अस्सलाम वालेकुम उनको पूरा किया जाएगा। तो आज तो लोग क्या है कि उसका मतलब होता है तो फिर और ऊँचा सलाम करते हैं, देख देख कर सलाम करते हैं। और दूसरी वजह ये भी है कि अब जाने पहचाने सलाम करें, तो दूसरी एक वजह ये है कि हम शक्ल सूरत हमारा होलिया हमारा किरदार वैसा नहीं रहा जिससे हमको पहचान जाए कि हम मुसलमान, तो फिर भी हम एक दूसरे सलाम नहीं करवाते। तो और उसके बाद फिर जमात के मसले, एक जमात दूसरे जमात वाले को सलाम नहीं करती, भाई उस फला जमात का मैं इसको सलाम नहीं करूँगा, इससे सलाम करना ये है, इससे सलाम किया तो
عذاب پڑے گا، اس کو جواب دیا تو یہ ہوگا، مطلب تمام چیزیں، جبکہ قرآن میں خود اللہ نے کہا کوئی فرق نہیں کیا اس کے اندر، جب تم کو سلام کیا جائے تو تم جواب دو، یہاں تک ابھارا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں جماعت جماعت تو اس میں جواب نہیں دیتے، جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر واضح کیا کہ اس میں کوئی جماعت کا اور کسی کا فرق نہیں کیا، اس کو جواب دینا ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دے تو ہم کیا کریں، تو ہمارا کام ہے صرف اس کو سلام کرنا، نہیں دیتا اس کی مرضی، جہاں تک ہم اس کو سلام کریں گے جہاں تک کہ وہ خود منع نہ کر دے، اگر خود منع کر دیتا بھائی میرے سے سلام مت کرنا، تو ہم اس کو قرآن کی آیت بتا کر پھر اس کو چھوڑ دیں گے، پھر ہم اس کو مطلب نہیں بچا، پھر آپ نہیں کریں گے اگر خود منع کر دیتا، لیکن نہیں منع کرے جب تک آپ کو اس کو سلام کرنا ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ اس وقت سے ہے سلام، ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان کو نبی بنا گیا تب سے سلام ہو، یہ سلام اس وقت سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، تب سے سلام، تو یہ سلام تب سے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 6227، اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب آدم کو بنایا وہ پھر کہا دیکھو یہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں اور تم ان کو سلام کرو پھر یہ تم کو جواب دیں گے، تو یہ تمہاری ضروریت کے لیے سلام ہو جائے گا، یعنی تمہاری نسل کے لیے سلام ہو جائے گا، پھر تم کو یہی دہرانا ہے، تو یہ پہلے انسان یادی عالم آدم علیہ السلام سے اس کو رکھا گیا ہمارے لیے، یعنی جس نے روح پھونکی اور کہا کہ ان فرشتوں کو سلام کرو، اب یہ جو جواب دیں گے تو یہ تمہاری نسلوں کے لیے ہو جائے گا، یہی تو سلام ابھی کا نہیں ہے، سلام آدم علیہ السلام سے اللہ نے، یعنی کہاں سے آیا، یہ جنت سے آیا ہوا ہے ہمارے پاس، تو اس کی فضیلت اس سے معلوم پڑتی ہے، اور جس سماج کے اندر یہ رواج عام ہوگا تو وہاں محبت پیدا ہوگی، جہاں سلام کا رواج نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر پھر نفرتیں ہوتی ہیں، نفرت ہو جاتی ہے، تو جس معاشرے کے اندر اگر سلام کا نظام عام ہے تو وہاں محبت رہے گی رہے گی، محبت رہے گی، کیونکہ سلام ایک آدمی کرتا رہتا ہے نا، جیسے دو آدمی جا رہے ہیں اب وہ نہیں پہچانتے یا ایک دوسرے سے معاملہ ان کا درست بھی نہیں ہے، لیکن اگر سلام رواج انہوں نے کر رکھا ہے اور روز ملتے ہیں دونوں اور ایک دوسرے سلام کرتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس اتنا ہی چل رہا ہے، 3-4-5 دن چلے گا، 8-10 دن تک وہ خود وہ ہو جائیں گے، تو سلام کو بھی آگے بڑھائیں گے، بڑا کریں گے، اس کے بعد میں پھر کبھی کبھار پوچھ بھی لیں گے کہ بھائی خیریت سے تو ہیں، خیریت سے پوچھ لیا تو کہے گا ہاں خیریت سے ہیں، کسی دن ہو سکتا ہے کہ بیٹے فرصت میں مل جائیں تو کہیں چلو آؤ چائے پی لیتے، چلو آؤ گھر پہ آئے، تو یہ دھیرے دھیرے ان کے دلوں کو نفرت سے نکال دیتا، بس سے بہترین طریقہ ہے، محلے کے اندر جو آج ہمارا نظام جو ختم ہو چکا ہے، پڑوسی پڑوسی سے دشمنی رکھتا ہے، یہاں تک کہ یہ پڑوس والا 10ویں گھر سے دشمنی رکھتا ہے، تاپسی جلن اور اس سب چیز کو ختم کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ سلام کو عام کیا جائے اور اس کو کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 54 کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت تم ایک دوسرے سے نہیں کرنے لگو، کیا تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس سے تم میں آپس کے اندر محبت پیدا ہو جائے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے، کہ تم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر الفت اور محبت پیدا ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، اب اس سے ہم کتنے دور ہیں، آج سارا معاشرہ کتنے دور ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں ہیں، تو سلام کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلام کرتے اس کا مطلب کہ جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے، آپ سلام کرتے جائیں گے تو مطلب کہ جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ دوسرے کے لیے خیر کی دعا کر رہے ہیں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اور جس پر اللہ کی سلامتی رہی تو کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا، تو آپ دوسرے کو جنت میں بھیجیں گے تو کیا اللہ آپ کو رہنے دے گا، تو اپنے آپ کے لیے راستہ تیار آپ کر رہے ہیں، صحیح ترمذی کی روایت ہے حدیث نمبر 2485 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سلام کرو اور سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھو، یعنی تہجد کو اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اس یہاں پر بھی وہی ملا، ایک تو کیا سب سے بہترین کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بار بار حدیثوں میں دیکھیں گے تو سلام کے ساتھ میں اس کا بیان آتا ہے کہ کھانا کھلاؤ لوگوں کو، اور دوسرا کیا ہے کہ سلام کو پھیلاؤ اور سلامتی کے ساتھ میں پھر وہ تہجد پڑھو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو سلام کیا ہے کہ سلام اصل میں اللہ کا نام ہے، السلام یہ اللہ کا نام ہے، تو ہم ایک تو اللہ کا اسم بیان کرتے ہیں تو ایک وہ تعریف اللہ کی حمد، تو حمد کے ساتھ میں دوسروں کو ہم سلامتی کی دعا پلس جو ہے حمد بھی ہو جاتی ہے، دونوں اس کے اندر ہمارا کام ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کے تعلق سے قرآن میں فرمایا سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا هو الذی لا الہ الا ھو قدوس السلام،
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ بادشاہ تمام عیبوں سے پاک، وہ سلام ہے، وہ سلامتی دینے والا ہے۔ تو سلام ایسی چیز ہے کہ اگر ہم راستے پر بھی بیٹھیں تو یہ حق میں سے بھی ایک، تو حق کون سا ہے کہ مسلمان مسلمان کے سلام کا جواب دے، ایک حق تو ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ سلام اگر کوئی دیتا ہے، اگر کوئی راستے پر بیٹھا ہے تو اس راستے کا حق ہے، یہ راستے کا بھی حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فرمائے، صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 6229 کہ ایک صحابہ راستے پر بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، میرے صحابہ تم راستے پر مت بیٹھو، راستے پر مت بیٹھو۔ تو صحابہ نے کہا مجبوری ہے، ہم کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے یا تو اس لیے بیٹھنا پڑتا ہے کہ تجارت کے لیے، سامان خرید فروخت کے لیے راستے میں ہی بیٹھنا پڑے گا، تو راستے میں اس لیے بیٹھنا پڑتا ہے، تو ہماری مجبوری ہے، خریدنے کے لیے جانا پڑے گا تو ہم کو بیٹھنا پڑے گا، تو ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجبوری ہے تو پھر تم راستے کا حق ادا کرو، یعنی راستے کا حق بھی اس کے اندر ہم کو دینا پڑے گا۔ تو صحابہ نے کہا راستے کا حق یہ کیسے ادا کرے، کیسے دے راستے کا حق؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستے پر بیٹھو تو نیچی نگاہ رکھو، یہ راستے کا حق ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو راستے میں بیٹھے تو نیچی نگاہ رکھو، اور جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ان پہ وہاں پر اس کو ہٹا دو، یعنی جو بھی اگر پتھر ہے، غلاظت ہے، جو بھی ٹہنیاں پڑی ہے، کانٹے پڑے ہیں، تو اس کو تم صاف کرو، یہ راستے کا حق ہے، اور تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ، اور سلام کا جواب دو۔ یعنی پھر راستے میں بیٹھے ہو تو لوگ بھی نکل رہے تو سلام کرو، جو سلام کر کے جا رہا تھا اس کو پھر جواب دو۔ تو یہ تین حق ہے راستے کے، یہ راستے کے ہیں کہ نیچی نگاہ رکھنا، اور دوسری میں اس کو صاف کرنا، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، اور دوسرا وہاں پر سلام کرنا۔ لیکن معاشرہ تو یہ ہو چکا ہے کہ راستے میں بیٹھتے تو ابھی بھی ہیں، لیکن یہ ایک میں سے کوئی اس کا حق ادا ہی نہیں کرتا، ایک بھی حق نہیں دیتا۔ راستے میں بیٹھے ہیں تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ تاکہ جھاگی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے بیٹھے تاکنے کے لیے بیٹھے، اور وہ چنتے ایسا راستہ ہے کہ کہاں جا کر بیٹھے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کیا اس کو بولتے ہوں، نظر سیکنا وہ ہو جائے، تو وہ اس لیے ایسا جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں زیادہ سے زیادہ ان کو اس سے فائدہ ہو، یعنی کہ آنکھوں کی صحت اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے بیٹھتے ہیں۔ اور بلکہ پتھر کاٹے تو لگانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، وہ بیٹھتے ہیں تو اس کو پتھر کاٹے بچھاتے ہیں، کوئی بیٹھے بیٹھے پتھر پھینک رہا ہے، کوئی اس کو ہٹائی نہیں ہے، گندگی کر رہا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں یہ معاملہ اس کا ہو رہا ہے، اور بلکہ وہ راستے کو تو کیا کر رہے ہیں کہ چکے جام کر رہے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا، فلاں جو احتجاج، روڈ بند، چکا جام، پتھر جما دیے، روڈ بند ہو گیا، ہائی وے بند، یہ والا بند، تو یہ تو چکا جام کر رہے، تو اب یہ تو سب حدیث کے خلاف ہے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ روڈوں کو جام کرنا، چکے جام کر دینا، روڈ بلاک کر دینا، یہ اسلام کے طریقے کے اندر نہیں آتا ہے۔ یہ اس کو جو ہے کئی علماء نے اس کے تعلق سے منع بھی کیا ہے۔ تو اس لیے کہ یہ تو سلام کا معنی ہے سلامتی، یعنی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہو، آپ پر برکتیں ہو، یہ اس کا معنی ہے، تو دعا ہے۔ اور اسلام کے اندر دوسرے الفاظ نہیں ہیں، الفاظ اللہ نے خود دیے اور آدم علیہ السلام کو سکھلا کر بھیجا ہے، یہ اللہ نے خود دیے۔ تو اللہ نے کہا کہ کس طرح تم مجھ سے سلامتی مانگ سکتے ہو، اصل میں یہ دعا ہے، تو دوسرے کوئی الفاظ نہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں مذہب کے اندر دوسرے الفاظ ہوتے ہیں، کوئی جو ہے اس کو ہائی کر رہا ہے، کوئی ہیلو بول رہا ہے، کوئی بائی کر رہا ہے، ہم بھی بولتے ہیں، فون آتا ہے تو یہی بولتے ہیں، یہی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، تاہم رواج ہو گیا۔ اب وہ غلط ہے صحیح ہے وہ الگ چیز ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ عام الفاظ جو لوگ بولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، گڈ مارننگ بولے، یہ سب اب اس کو کیا کر دیا گیا ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ ہے، ورلڈ وائڈ یعنی کہ بولے اس کو کوئی بھی بول سکتا ہے، اور اس پر اب علماؤں نے اس پہ کچھ وہ بھی نہیں لیا کہ ٹھیک ہے بول سکتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، سلام جیسا نہیں ہے کہ آدمی کو بولے سب کے لیے اچھا ہے، تو مسلمان آپس میں بھی بول رہے ہیں ایک دوسرے کو تو گڈ مارننگ، کئی مسلمان مجھ سے ملتے صبح صبح بول رہے گڈ مارننگ، تب بول رہے ہیں وہ گڈ مارننگ کا، لیکن گڈ مارننگ یا صبح صبح، شبھ راتری، شب خیر، یہ تمام چیزیں اصل میں جو تھا وہ سلام تھا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، یہ دو لوگ مل رہے ہیں مسلمان، رات کو دونوں جدا ہو رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں، اس کے بعد میں پھر جب بچھوڑ رہے ہیں تو یا تو بولے ملتے کل صبح، بائے بائے، یا پھر جو ہے ہندی میں بول رہے تھے شبھ راتری ہو، یا بولے شب خیر، اچھی رات ہو، یہ اس کو اردو میں کر رہے ہیں، جبکہ اصل کیا ہے کہ وہاں پر سلام دینا ہے، سلام کہنا ہے ایک دوسرے سے، وہاں پر وہاں زیادہ ضروری ہے، جب ملے تو سلامتی ہم نے ایک دوسرے سے دعا کی، اب سلامتی کے بعد دعا ہم نے کر لی ایک دوسرے سے، ملے تب، اب وہ سلامتی میں دونوں بیٹھے تھے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ سفر پر تھے، ایک دو دن، دو دن، اب بچھڑ رہے ہیں، اب اس کو دعا کی خاص ضرورت ہے، تب تک تو آپ کے ساتھ میں ہی تھا وہ کہیں کچھ ہوتا تو آپ بھی اس کو سنبھالنے والے تھے، اللہ تو اس پر سلامتی کر ہی رہا ہے، کچھ ہوگا
तो वो आप भी थे उसके साथ में, लेकिन अब वो जब जा रहा है दोनों बिछड़ रहे, अब एक दूसरे को ज़्यादा सलामती की ज़रूरत है और सिवाय अल्लाह के अब कोई सलामती देने वाला नहीं, तो अब उनको ज़्यादा चाहिए कि वो जब बिछड़े तब सलाम करें, कि तब एक दूसरे को दुआ देकर जाए। तो हम देते हैं उसके अंदर से मिट गया, मिलते तो फिर भी करते हैं लोग, लेकिन अब जो जुदा होने से मिट गया है, एक दूसरे से अगर जुदा हों तो वो निकल जाए, तो इसको वहाँ पर भी सलामती देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह के अल्फाज इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में दुआ ही अल्फाज है कि एक दूसरे को दुआ देना, मिले तो दुआ, बिछड़ो तो दुआ, नहीं तो गुड मॉर्निंग कहें किसी के गुड मॉर्निंग, और ऐसा तो नहीं कि हर किसी के लिए मॉर्निंग गुड हो, हर किसी के लिए ऐसा तो नहीं कि हम सबके लिए गुड मॉर्निंग ही हो, तो हमेशा ही है, तो इसका कोई माना भी नहीं है। लेकिन अगर किसी के हम किसी के पास जाएँ, उसका बाप मर गया और हम उसको जाके गुड मॉर्निंग, तो कहे मेरी तो सुबह ही ख़राब हो गई, बाप मर गया तुम मेरे को आके कह रहे गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह है तुम्हारे लिए। तो हमको जो अल्फाज सिखाए गए वो सही अल्फाज हमको दिए, तो ऐसे अल्फाज हैं कि गम हो, खुशी हो, बीमार हो, किसा भी हो, आदमी हर कंडीशन में आप उसको सलाम करेंगे और इसका माना बिल्कुल दुआ है, तो इसका इसके अंदर वो नहीं होगा, तो इसका माना जो है बहुत अच्छे और इसका अजर भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अजर कितना है इसका, इसका अजर कितना है, तो इसका अजर जो है अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं हदीस नंबर 5195, इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम के पास में एक शख्स आया, वो बैठे हुए तो उन्होंने देखा अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लम का एक शख्स आया और कहा अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, बोले कहा इसको 10 नेकियां मिल गई। फिर दूसरा शख्स आया और आकर उसने कहा कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, तो उनको उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा इसको 20 नेकी मिल गई। फिर तीसरा शख्स आया तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया और कहा इसको 30 नेकी मिल गई। तो ये अल्फाज के साथ में नेकियां भी हैं, यानी इसको सलाम वो जितना बड़ा करेंगे आप, लेकिन यहीं तक करना है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये यहीं तक ही साबित है, तो यहीं तक इसको करना है। अभी इसके बाद हम कहते तो इसके बाद उन लोगों ने बढ़ा लिया, उसके बाद फिर अब ये बिदात में चला जाएगा कि इतना बड़ा आपको करना ही नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज़ को दीन में ऐसा है कि जो चीज़ आपको बताई वहीं तक हद तक रखना है, नहीं तो आप उसको बढ़ाने जाएंगे ना तो फिर वो उसकी पूंछ लग जाएगी। अब उसके अंदर लोग बढ़ा देते हैं वह मगफिरत हो और ये हो वो उसमें क्या पता लंबे करते हैं, अब फिर इसी अनलिमिटेड हो जाएगा, फिर जो जिसको जितना आता है ना तो वो अगर शायर होगा तो और बड़े बड़े जोड़ जोड़ के और 8-10 के लंबे जुमले कर देगा, तो लोग फिर इसको भज्जन हो जाएगी, अरे यार से सलाम क्या करो, इतना बड़ा सलाम करता है कि मैं कान से जा रहा था और मेरी बस निकल गई इसके चक्कर में, इसका जवाब देने के चक्कर में। तो जो बताया गया ना इतना ही करना है कि उसको हम जब बताया, तो इसके अंदर नेकियां हैं, पूरा करते तो 30 नेकियां और मुख्तसर छोटा करते तो 10 नेकियां इसके अंदर है, और ये एक बेहतरीन जुमला है और इसको पूरा कर सकते हैं, सामने वाला जैसा बोले इसको जवाब दे सकते हैं जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। और अल्लाह के रसूल सल्लम का जो है मामूल था कि अल्लाह के रसूल सल्लम सलाम किया करते थे, पहल करते थे, वो बच्चों से खुद सलाम किया करते थे, बच्चों को अल्लाह के रसूल खुद सलाम करते थे, वो बच्चों को ताकि क्या करते, बच्चों को इसका आदी बना दे, बच्चों को इसकी आदत पड़ जाए, वो किया करते थे। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है हदीस नंबर 2698 कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया जब बच्चों से मिला करते थे तो अनस रजी अल्लाह फरमाते हैं और वो खुद फरमाते हैं कि वो कहते थे कि ये मेरे बेटे जब अपने घर जाना तो पहले अपने घर वालों को सलाम कहना और ये तेरे और तेरे घर वालों के लिए बरकत की चीज़ है। यानी बच्चों को सिखा रहे कि अपने घर पर जाकर घर वालों को सलाम करना तो तेरे लिए और तेरे घर वालों के लिए बरकत की चीज़ है। तो बरकत भी है इसके अंदर, रहमतें बरकतें नेकियां सवाब, अल्लाह के हुक्म को मानना, अल्लाह के रसूल सल्लम की हदीस और इतनी सारी फजीलत और आम रिवाज करना, बेहतरीन इस्लाम, सब कितनी सारी चीज़ सिर्फ सलाम के अंदर है, इतना है जो इसकी ज़्यादा फजीलत है। तो बच्चों को बचपन से ही हमको सलाम करना सिखाना चाहिए ताकि जो है वो सलाम के आदी बन जाए। और ये कि हम उसके हम खुद करें, बच्चों से मोहल्ले के अंदर जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो उनको सलाम करें, आप सलाम करेंगे तो आप देखिए वो एक दिन आपने सलाम किया, दूसरे दिन आपने सलाम किया, तीसरे दिन कह देंगे हजरत आ रहे हो, तो खुद तैयार हो जाएंगे, आपसे पहले सलाम करेंगे, वो खुद सलाम करने लगेंगे। तो ये चीज़ें और यही चीज़ें जो है दावत में भी काम आती है। हम अक्सर क्या होता है कि पूरे मोहल्ले के अंदर आदमी दावती है, वो दावत देता है तो क्या करता है उनके बाप को ही दावत देता है, दावत का जरिया है ये, वो कई बार हुआ है क्योंकि सामने वाला नहीं सुन रहा था, लेकिन उसके जो बच्चे थे बच्चों को सलाम किया गया तो बच्चे ने क्या किया सलाम करना शुरू कर दिया, अब उसके बाप से सलाम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके बाप ने करता ही नहीं है तो वो भी नहीं कर रहे, लेकिन दूसरा जा रहा है तो वो सलाम कर रहा है तो उसको जवाब दे रहे हैं, तो उसका बाप कह रहे यार ये वाकई अखलाक वाले लोग कह रहे उन्होंने मेरे बच्चों को सलाम करना सिखा दिया, अब बच्चा उसके बाप से छोड़ के सबसे सलाम कर रहा है, मेहमान आ रहा सलाम, टीचर मिल रही सलाम, दूसरे मिल रहे सलाम, दो दाढ़ी वाला दिखे उसको सलाम, मौलाना साहब को सलाम, बाप से नहीं कर रहा क्योंकि बाप ने उसको भी सिखाया ही नहीं।
तो ये जो है दावत का जरिया भी है, तो इसको सलाम को बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ये इसमें, और इसी तरह जो है अदब भी है इसके। अदब क्या है इसके अंदर, ये सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 6254 के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महफिल में जाने से पहले, महफिल में जब पहुँचो, चाहे वो दीनी हो चाहे किसी भी हो, जो भी महफिल आपने सजा रखी जिसने भी, तो वहाँ जाएँ तो सबसे पहले क्या है कि हम सलाम करें, जाने वाला सलाम करेगा, जाने वाला सलाम करेगा। ऐसे नहीं ना, हमारे यहाँ होता है कि हजरत आएँ बड़े तो सारे लोग उस जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, जबकि होना क्या चाहिए कि आने वाला सलाम करेगा। हमेशा कम लोग ज़्यादा लोगों को सलाम करेंगे, ये इसका अदब है। और इसी तरह जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलिस में भी दाखिल हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है ये, सही तिर्मिजी की रिवायत है हदीस नंबर 2702 कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस में जाया करते थे तो उसके बाद दाखिल होते और सलाम किया करते थे, तो अल्लाह के रसूल खुद सलाम करते थे। अब जो भी भले कितने बड़ी अल्लामा मौलाना हजरत हो, तो उनका क्या है, सुन्नत क्या है कि वो खुद जाके पहले सलाम करें, लोगों के सलाम का इंतजार ना करें। तो इसके अंदर आदमी चाहे तो औरत से भी सलाम कर सकता है, लेकिन फितने का डर हो तो ना करें, वाकिया तो फितने का डर है, तो इसलिए तो ज़्यादा बेहतर है कि ना ही करें आज के लिहाज के हिसाब से, क्योंकि आज जो जिस तरह से फितने का डर है तो उसको ना करें तो ज़्यादा बेहतर। लेकिन अल्लाह के रसूल की सुन्नत थी कि अल्लाह के रसूल सल्लम औरतों से भी सलाम किया करते थे, और ये अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 5204 के असमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम जब हम बैठी हुई होती या हम कहीं खड़ी हुई होती या निकल रही होती, अल्लाह के रसूल हमारे पास से निकलते तो उनको सलाम किया करते थे। तो सलाम को किया जा सकता है, लेकिन जब फितने का डर हो तो फिर इसको ख्वातीन के साथ में नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो है सलाम अगर किसी को भेजा भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि बस सलाम मिले तो भी करना, सलाम को पोस्ट भी किया जा सकता है, किसी को भेजा भी जा सकता है, लेकिन पोस्ट करना वैसा नहीं जैसा हम पोस्ट करते हैं कि रोज़ सुबह उठे और व्हाट्सएप के ऊपर सबको टेक किया एक ग्रुप के अंदर पूरा सलाम अस्सलाम वालेकुम सुबह सुबह, फिर बेचारे 200 लोग सब वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, और 200 में से सुबह सुबह रोज़ वालेकुम अस्सलाम, ये तो क्या हो गया कि एक रिवाजन हो गया है, रोज़ कॉपी पेस्ट करना, रोज़ कॉपी करके रख रहा है, कॉपी करा पेस्ट कर दिया, कॉपी करा रोज़ सुबह पेस्ट कर दिया, मुंह से कहना है, पेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उसको कोई अजर सवाब नहीं, और अल्लाह वालम इसका सवाब मिलता भी कि नहीं हमें तो मालूम भी नहीं। तो असल सलाम करना है, असल सलाम करना। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सोचेंगे यार मुँह से करना है तो काम करो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजो अस्सलाम वालेकुम, ताकि फिर लोग सारे वॉइस रिकॉर्डिंग आएगी खुद से, तो देखिए वहाँ वो उस चीज़ का वो नहीं है, वहाँ पर वो नहीं है। आप जो है सोशल है तो उसका आप अच्छा इस्तेमाल उसका कर सकते हैं, सलाम कभी कभार किया जा सकता है, लेकिन आप करेंगे तो फिर आपका ग्रुप मेंटेन नहीं होगा, तो वो तरीका भी नहीं है। सलाम असल जो है मुँह से हमको करना है, और उसके अंदर एक तरीका है कि ये है कि उसके अंदर अमीर कौन है, ग्रुप का अमीर कौन होता है, ग्रुप एडमिन होता है, तो ग्रुप एडमिन चाहे तो कर सकता है, वो कर दे एक बार सलाम तो सब अपने अपने आप जवाब दे दो मुँह से, ये तरीका है ताकि आपका ग्रुप अच्छे से मेंटेन हो सके। नहीं तो फिर आप सब उसको लिख लिख के जवाब देंगे तो सुबह सुबह आदमी खोलेगा जो सबसे आखिर में कहेगा 250, तो इसके अंदर वो हो गया, अब इसको पढ़ना क्या, तो पढ़ेगा भी नहीं, तो वो उसका जो मकसद है वो ख़राब हो जाएगा। अगर दीनी ग्रुप है तो दुनिया भी है तो अलग चीज़ है, लेकिन दीनी ग्रुप है तो इसको किया जा सकता है कि ग्रुप एडमिन सलाम कर ले या उसके अंदर जो मोतबर शख्सियत है वो सलाम कर ले और सारे लोग अपने मुँह से उसको जवाब दे दे, ये उसमें किया जा सकता है इस तरह से। और सलाम को भेजा भी जा सकता है क्योंकि इसके ताल्लुक से मिलता है, सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 6259 कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने जो आयशा रजीना ताला अन्हा से कहा कि आयशा जिब्रील आए हैं और तुमको सलाम कह रहे हैं, क्योंकि जिब्रील को आयशा रजीना ताला नहीं देख पा रही, लेकिन वो कह रहे हैं सुन भी नहीं पा रही, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तुमको सलाम कह रहे हैं। तो कोई सलाम भेजे तो उसका जवाब वैसा नहीं होगा कि इन्होंने सलाम भेजा तो वालेकुम अस्सलाम, वैसा नहीं होता। अगर कोई सलाम भेजेगा तो उसके वाले का वाले ही सलाम, वाले का वाले ही सलाम, ये कि कोई आपसे कहे कि यार फलां जो है अब्दुल रजाक साहब ने आपको सलाम भेजा है, तो आप कहेंगे वाले का वाले ही सलाम, कि साहब पर भी सलामती हो और जिसने मुझ पर भेजा उस पर भी सलामती हो, कि लाने वाले पर भी सलामती, तो ये कितना बेहतरीन सलाम है, उसको भी नहीं छोड़ता अजर से कि लाया तो उसकी मेहनत, अब कोई के वजन तो नहीं था उसके अंदर कि तोक के लाया भाई सलाम, बहुत भारी था कार्टून में भर के लाया, लेकिन उसका लेके आया वो उसने याद रखा आपको दिया सलाम, उस पर ही आपको नेकी मिलती है। तो सलाम सबसे बेहतरीन है और इसके अंदर सबसे बेहतरीन, और इसकी फजीलत जब बढ़ जाती है कि जो पहल करे, जो पहल करता है वो इंतज़ार ना करे, नहीं तो लोग इंतज़ार करते हैं और कई लोग तो इतना इंतज़ार करते हैं कि नहीं बड़े हैं तो उनको रहता हम बुजुर्ग हैं बड़े हैं तो हमको सलाम करना चाहिए, तो वो आपकी फजीलत पीछे रह जाती है।
آپ کی فضیلت اب پیچھے رہ جاتی ہے. تو سلام جو ہے اصل اس کو ہم کو پہل کرنا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 6237. یہ کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے مسلمان کو چھوڑے رہے, 3 دن سے زیادہ اس سے بات چیت وہ بند کر دے, اس کے لیے حلال نہیں ہے. اور بہترین وہ ہے جو پہل کرے اس کے اندر, یعنی بات چیت میں پہل کرے. وہ بات چیت میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سلام ہے. تو اس کے اندر پہل وہ کرے گا تو سب سے بہترین کیا ہے جو پہل کرنے والا ہے. تو ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ کئی میں لوگوں کے پاس گیا, کئی ہم جاتے ہیں تو بڑے بڑے امیر جماعت کے, بڑے امیر بڑا علاقہ اور بڑے امیر, اور اتنے بڑے بڑے امیر کے صاحب ان کے پاس, ان کو ماننے والے تعداد 5000 لوگ ان کی جماعت میں, 5000 لوگ ان کی جماعت کے اندر, اور کے دونوں, اور وہ دونوں آواز نصیحت کرتے, خطبے بھی دیتے. اور میں جب انہوں نے کہا کہ یار وہ یہاں نہیں آتے, میں نے ان سے پوچھا تمہارے بارے میں, تو بولے کہ نہیں ان دونوں کی لڑائی بات چیت بند ہے, کب سے 12 سال سے ایک دوسرے سلام بھی نہیں کرتے. وہ دونوں امیر بھی ہیں اور دونوں عالم بھی ہیں. اب بتائیے پھر اب کہاں کیسے کیا معاملہ ہے؟ یہ تو 3 دن سے چھوڑے رکھنا منع کیا گیا ہے. اب وہ تین مہینے 3 سال ہو جاتے ایک دوسرے دیکھتے بھی نہیں. تو یہاں تک معاملے ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس میں بیٹھے رہتے, نہیں غلطی اس کی تھی, وہ سلام کرے گا میں کیوں سلام کروں, غلطی اس نے کری تھی, پہلے اس نے بولا وہ کرے گا تبھی میں کروں گا. لیکن فضیلت سے آپ پیچھے رہ جائیں گے. فضیلت وہی ہے کہ جو پہل کرے, جو پہلے کرے وہ چاہے, اور یہ تو اور بڑی فضیلت ہے کہ آپ کیا نہیں چاہتے, غلطی اس کی تھی نا, اس کی غلطی تھی, آپ پہل کریں. کیوں آپ نہیں چاہتے؟ اللہ تمہیں معاف کرے. قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ تم چاہتے کہ نہیں کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ تو آدمی کہتا ہاں واقعی ہم چاہتے کہ اللہ معاف کرے, تو تم دوسروں کو معاف کرو. تو دیکھیے کتنا سارا ہو جائے گا اگر غلطی کے اندر اس کی غلطی اور آپ اس کو معاف کر کے اس سے سلام کرتے ہیں, تو کتنی ساری چیزوں پر آپ عمل کرتے ہیں, کتنا سارا اجر اس کو اندر ہم کو مل جاتا ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں. تو بہترین وہ ہے جو پہل کرتا ہے. وہ چھوٹے جو ہیں بڑوں کو سلام کریں, یا چھوٹے جو ہے بڑے بھی چھوٹوں کو سلام کریں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں کہ وہ اپنی فضل میں بڑا ہوں, میں 80 سال کا ہے تو کیا 5 سال کا بچہ مجھ کو میں سلام کروں گا؟ اللہ کے رسول سلام کرتے تھے جب وہ اتنی دنیا کی سب سے اہم ترین شخصیت دونوں جہان کی, تو وہ کر سکتے ہیں. تو پھر آپ پھر کیا کہیں, وہ جو کہا جاتا ہے جملہ کس کھیت کی مولی ہے. تو یہ ہے کہ ہم کو کرنا چاہیے, وہ پہل کرنی چاہیے. اور اس کے ادب بھی سکھائے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے, ادب بھی سکھائے. یا صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 6231, اور اس میں فرمایا کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ جب تم سلام کرو تو چھوٹا بڑے کو سلام کرے. ادب تو سکھایا ہے, لیکن کوئی نہیں کر رہا ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا, پہل کرنے کی فضیلت بھی ہے. تو چھوٹا بڑے کو کرے, چلنے والا بیٹھے کو کرے. یعنی چلنے والا یا تو وہ جو اٹھ کے جا رہا ہے, دو جنے بیٹھے تھے وہ کہہ رہا میں چلوں, تو اس کا کام ہے وہ سلام کر کے جائے, اس کو بیٹھے والے کو سلام کریں. یا آپ لوگ بیٹھے اور آپ نکل رہے ہیں تو آپ بیٹھے والے کو سلام کریں گے. چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کریں. یعنی آپ 4 لوگ گئے ایک ساتھ, 4-5 پوری کار سے کہیں گئے, مجلس سجی ہوئی, 5-7 لوگ یہاں پہ, لیکن پہلے سے وہاں پہ 50 لوگ موجود ہیں, تو آپ سب کا کام ہے کہ ان کو سلام کرنا. تو چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے. آنے والا مجلس جو ہے تو مجلس میں وہ سلام کرے گا, آنے والا اس کو کرے گا. اور اس تک جو ہے اس میں ترغیب دلائی گئی, یہاں تک ترغیب دلائی گئی کہ آگ اگر پیشاب بھی کر رہے ہیں, اور کوئی جیسے کہا گیا کہ جیسے گھر میں داخل ہو, مسجد میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو, تو آپ سلام کریں. لیکن آپ جو ہے پیشاب خانا بھی کر رہے ہو تو وہاں سے جواب تو نہیں دیں گے, لیکن اس تک ابھارا گیا ہے کہ بعد میں جب تم فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد آ کر اس کا سلام کا جواب دو. وہ سلام کو ہمارے اسلاف کے تعلق سے ہی ملتا ہے. ایک بار امام ابو داؤد کا واقعہ ملتا ہے کہ امام ابو داؤد جو ہے ہمیشہ حدیثوں کی اکٹھا کرنے میں, اس کو سمجھنے میں, اس کی جو روایت ہے اس کو اس کی سند کے اندر کوشش کیا کرتے تھے اپنے ذہن میں وہی وہ کہ یہ راوی کہاں سے, یہ وہ, مطلب آپ دیکھیں جو تحقیق کرتے تو ان کا یہی ہوتا ہے, ان کو دھن ہوتی ہے, تبھی تو ایسی کتابیں معتبر لکھ کے گئے. تو اتنا ہوتے تو وہ ایک بار کشتی میں بیٹھے, وہ کشتی میں جیسے ہی وہ بیٹھے تو کسی نے ان سے کیا کیا کہ دوسرا جب کوئی کشتی میں وہ آیا اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی وہ دھن کے اندر تھے, مسئلے میں کسی میں لگے ہوئے تھے, تو وہ آ کے جیسی کشتی میں اس نے پیر رکھا اور سلام کیا, تب ان کو کیا ہے کہ ہلکا سا سنائی تو دے گیا لیکن انہوں نے کیا ہے کہ جواب دے نہیں پائی, اس کے اندر اتنے زیادہ مشروف تھے. تو یہ پہنچ گئے پورے, اور وہ اس آدمی اتر کر چلا گیا, اس کنارے پر اتر گئے, کشتی چل پڑی, کشتی چلی گئی, وہ دوسرے کنارے پر جب پہنچ گئے تو دوسرے کنارے پر پہنچے وہاں جا کر, تو پھر جب اترے تو ان کو یاد آیا کہ کسی نے مجھے سلام کیا تھا. اب انہوں نے شاید کسی سے پوچھا کہ مجھے کسی نے سلام کیا, تو بولے وہ تو وہاں پر اتر گیا. بولے کہاں پر وہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے واپس لے چلو. پھر دوسری کشتی میں پھر بیٹھ کر گئے, اس آدمی کو ڈھونڈ کے سلام کا جواب دیا. ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ رہا, تو اتنی جو ہے وہ اہمیت اس کی رکھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے یہاں تک اس کے لیے ابھارا گیا ہم کو کہ ابو داؤد کی روایت ہے,
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अबू दाऊद हदीस नंबर 5200, के दो शख्स अगर चल रहे हैं और उनके बीच में अगर पत्थर आ जाए, बड़ा पत्थर आ गया, चट्टान आ गई, या पेड़ आ गया, या कोई दीवार आ गई जिसकी वजह से वो बिछड़ गए, चलते चलते पेड़ आ गया, पेड़ का तना आ गया, दोनों ने साथ में थे, साथ छोड़ दिया, आगे जाके फिर मिले, फिर सलाम करो, यहाँ तक उभर आ गया, इसके दीवार आ गई फिर सलाम करो, पत्थर आ गया ऐसा बड़ी चट्टान आ गई आप मिले फिर सलाम करो, तो यहाँ तक इसके लिए उभारा गया है। या फिर मुसाफा भी कर सकते हैं, मुसाफा भी था सहाबा के ताल्लुक से, ये सही बुखारी की रिवायत है। कदादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हदीस नंबर 6263, सहाबा के दरमियान मुसाफा था, यानी सहाबा दरमियान मुसाफा भी करते थे, मिलते थे तो हाथ भी मिलाया करते थे, मुसाफा भी किया करते थे। और मुसाफा के ताल्लुक से तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, ये अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 5212, कि जब दो भाई मिलते हैं, जब दो भाई दो मुसलमान मिलते हैं और मुसाफा करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके जुदा होने तक से पहले पहले, यानी दोनों मिले तो खाली से अल्लाह के लिए मिले, तो उनके जुदा होने तक अल्लाह जो उनकी मगफरत कर देता है, उनको माफ़ कर देता है, उनको बख्श देता है। इतनी इतनी बड़ी फजीलत है मुसाफा करने की, यानी वो एक दूसरे से मिले और एक दूसरे से बिछड़ें, इससे पहले अल्लाह उनको बख्श देता है। तो हम कोशिश करें कि इस सलाम को हम आम करें, क्योंकि सलाम आज जो है रिवाजन भी नहीं रहा, तो इसको हमको समझना चाहिए। फजीलत के साथ में करेंगे तो इसके फिर अजर सवाब नीयत के हिसाब से और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको आम करने की ज़रूरत है। और इसको ये अच्छा रिवाज है जिसको फैलाना चाहिए, और रिवाज हम फैलाएं दूसरा तो वो तो मना है इस्लाम के अंदर, अपने रिवाज मत दो इसको जो है वो बताओ, लेकिन ये रिवाज ऐसा आप इसको फैलाएं, सलाम करें एक दूसरे से, चाहे इसको पहचानते हो चाहे इसको ना पहचानते हो। और इसी तरह जो सलाम क्या है, तो सलाम के अल्फाज भी सिखाएं, सलाम के अल्फाज भी सिखाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 831। इब्ने मसूद रजी अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, और नमाज से फारिग होकर हमसे फरमाया कि अल्लाह सलाम है, वो सलामती देने वाला है, और तुम में से कोई अगर नमाज पढ़े तो ये कहे, क्या कहे, वो पूरे कलमात सीखा, अतयातु लिल्लाह व सलावात व तय्यबात, पूरे के पूरे कलमात अल्लाह के रसूल सल्लम ने हदीस में सिखलाए, और ये कई हदीसों में आते हैं, ये सही मुस्लिम में भी आते हैं। उसका माना क्या है, माना इसका बड़ा अच्छा माना आता है, इसका माना अक्सर मिस कर जाते हैं, तो माना इसका क्या आता है कि मेरी सारी जबानी बदनी और माली इबादत केवल अल्लाह के लिए खालिस है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस। कौन सी, यानी जुबान से हम जो पढ़ रहे हैं, जो बदन से हम उसमें शामिल है, और इसी तरह जो है माली, यानी हम इबादत जो कर रहे हैं, पैसा उसमें खर्च कर रहे हैं, अल्लाह के लिए खालिस है। नबी आप पर अल्लाह के ताला की रहमतें हों और सलामती हो और बरकतें हों, और हम पर और अल्लाह के दूसरे नेक बंदों पर भी सलामती हो, यानी कितनी दूसरों पर भी, उन पर भी सलामती हो। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। तो ये कलमात हमको सिखलाए गए हैं जो ये सही बुखारी से आते हैं, तो ये इसके अंदर सलाम भी आता है। तो ये सलाम भेजना हुआ, असल सलाम भेजना क्या हुआ, ये भेजना हुआ, इसको कहते हैं सलाम भेजना, इसको कहा जाता है। तो ये सलाम भेजना है, तो ये तरीका है। उसके बाद फिर क्या करें, नमाज के अंदर ये अतियात पढ़ लिया, उसके बाद दुरूद भेजें, तो ये दुरूद भेजना उसमें हो जाता है। तो बाकी जो लगा लोग जो सलाम भेजते हैं अपने अपने तरीके उन्होंने ईजाद किए, तो अब उस पर भेजते हैं, तो मुझे उसमें तफसीलात रखने की ज़रूरत नहीं। मैं हमारा यही कहना है कि अगर कोई चीज़ साबित है तो आप करें, उसका अजर सवाब आपको, नहीं साबित है तो अजर सवाब उसका आपको नहीं। तो मनमाने तरीके से करेंगे तो वो सलाम नहीं पहुँचता है, असल जो सलाम है वो ये पहुँचता है। तो इसको जिसने जो अगर इसमें दूसरे तरीके से भेजता है तो उसकी वो जाने, उसका जवाब उसको देना है। और क्योंकि इसलिए भी है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा काम करता जो अल्लाह के रसूल सल्लम ने नहीं बताया तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि वो हम में से नहीं। एक रिवायत हमको मिलती है, वो आयशा रज़ी अल्लाह के पास में तीन लोग आए और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम की ज़िंदगी कैसी है, फिर उन्होंने बताया कि ये पूरा कुरान नहीं पढ़ा तुमने, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी है, इतनी इबादत करते हैं तो हम तो फिर ज़्यादा गुनहगार हैं, वो तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने बख्शे बख्शाए, जन्नत में आला मकाम है। तो हम, एक ने कहा कि मैं निकाह ही नहीं करूँगा, एक ने कहा कि मैं जो है हमेशा नमाज ही पढ़ता रहूँगा, एक ने कहा मैं रोज़े ही रखता रहूँगा। तो जब ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही तो अल्लाह के रसूल सल्लम को मालूम पड़ा, तो अल्लाह के रसूल जाकर कहा कि वो फलां फलां लोग कौन है, और एक मजलिस अल्लाह के रसूल जाकर वास किया, कहा कौन लोग हैं जिन्होंने ये बात कही थी, और मैं निकाह भी करता हूँ, मैंने निकाह भी किए हैं, और मैं सोता भी हूँ, और मैंने रोज़े भी रखे हैं, और मैं इफ्तार भी करता हूँ, और मैं सोता भी हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, और जो अगर मेरी सुन्नत से एराज करे तो वो हम में से नहीं। तो अगर कोई चीज़ हम अपनी तरफ से करेंगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया वो हम में से नहीं। अब हम में से नहीं का माना क्या है, और उन्होंने अलग अलग बताया कि हम में से नहीं यानी वो तो मुसलमान ही नहीं या उम्मत में ही से ही नहीं। अब कितनी बड़ी वो, कितनी ज़्यादा वाली बात हो जाएगी कि उम्मत से हम खारिज हो जाएँ,
तो हमको इसके अंदर बिदत करने से बचना चाहिए। वो सलाम के ताल्लुक से चंद बातें रखी थी, हालांकि बहुत सारी इसकी फजीलत इसकी आती है, तो चंद बातें जो ज़्यादा ज़्यादा उसमें सही जो थी और जो अफजल थी वो मैंने रखने की कोशिश। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान इस्लाम पर जिंदा रखे, अल्लाह जब मौत दे इस हाल में मौत दे, अल्लाह हमसे राजी हो, अल्लाह से राजी हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।